वेल दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि यूएन पोर्टल पर काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ है 2021 में। अब तक के मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा अपडेट हुआ है 2021 में केवाईसी के रिगार्डिंग, जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, इसके बारे में आपको मैं पूरा बताने जा रहा हूँ कि क्या चेंजेस हुआ यूएन पोर्टल पे। सबसे बड़ा अपडेट हुआ, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं आपको जो पूरा बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। तो चलिए देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे स्क्रीन पर जाके। ओके, ये में है जैसे कि यूएन पोर्टल। ओके, अब जब आप केवाईसी करने जाएंगे तो आपको ऐसा शो करेगा, पहले जो है आपको अलग तरीके से शो करता था, ऐसा आपको दिखाई देता था कि जहाँ पे आपको सब जैसे कि आपको केवाईसी करना होता था। लेकिन अभी ईपीएफओ ने जो है काफ़ी चेंजेस कर चुके हैं। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुआ है अभी केवाईसी में। तो देखिए, अगर आप जैसे कि जब जाते हैं मैनेज केवाईसी के ऑप्शन में, ओके, यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो ऐसा आपको जो है इंटरफेस अब शो करेगा। पहले आपको अलग इंटरफेस शो करता था, बट अभी क्योंकि चेंजेस हुआ है 2021 में, अब आपको ऐसा दिखेगा। ओके, अब आपको केवाईसी के लिए कैसा है कि आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे बैंक, ये तो पता है कि आपको 3 केवाईसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें पासपोर्ट भी ऐड किया गया है। तो अगर आपको जो है बैंक करना है तो बैंक पे आपको क्लिक करना होता है। ओके, और फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपका जो है अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो भी एंटर करके आपको सबमिट करना होता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँ कि यहाँ पे देखिए, ये जो नोट्स लिखा हुआ है कि KYC सीरियल विल बी इनवैलिडेटेड ऑटोमेटिकली इफ़ नॉट अप्रूव्ड डिजिटल बाय एम्प्लॉयर विद इन 60 डेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एम्प्लॉयर, आपने KYC करे यहाँ पे जाके, अगर आपकी एम्प्लॉयर अप्रूव ही नहीं करेगी 7 दिनों के अंदर, तो वो KYC हटा दी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी और वो KYC को रिमूव कर दिया जाएगा। तो पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, पहले तो 1-1 महीना, 3-3, 4-4 महीने से KYC जैसे कि पेंडिंग रहती थी प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो भी आपके एम्प्लॉयर के पास। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपकी कंपनी ने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अप्रूव नहीं करेंगे विद इन 60 डेज, तो वो KYC को इनवैलिड माना जाएगा और वो ऑटोमेटिक हट जाएगी KYC। तो काफ़ी अलग एकदम अपडेट हुआ है गाइज, और काफ़ी इंटरफेस भी एकदम अलग शो कर रहा है। अगर आपको पैन करना है तो फिर उसके बाद आपका ये रो ऐड हो जाएगा, अगर आपको आधार करना है तो आधार पे क्लिक करना है, ये 3 KYC पे ग्रीन हो जाएगा आपका, और फिर आपको नीचे जाके आपको जो है डिटेल्स एंटर करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको एंटर करके यहाँ पर आपको सेव करना होगा। लेकिन अभी कैसा है कि इसके बारे में और हमें जैसे कि चेक कर रहे हैं कि और क्या क्या जानकारी पता चलेगी, तो उसके हिसाब से हम आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जो है जाइए और हमारे चैनल को जाइए और सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि KYC एग्जैक्ट किया कैसे जाता है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।